ये शर्ट ज्यादा कूल लग रहा है ना। ट्रांसपेरेंट शर्ट है, शॉर्ट्स के ऊपर काफी कूल लुक आ रहा है। ये फाइनल लुक गाइस। गाइस दूसरे आउटफिट वेयर करने लायक नहीं है बिकॉज मैंने पहना और वो अपने आप नीचे गिर गया, इतना लूज है। मेरे साइज के यहाँ पे मोस्टली कपड़े है ही नहीं। तो गाइस आज मुझे एक्चुअली मॉर्निंग में थोड़ा टाइम मिला है बिकॉज मेरे भाई का कॉलेज नहीं था। सो उसका कॉलेज रहता है तो डेली मुझे सुबह सुबह शॉप पे जाना पड़ता है एंड 4 बजे तक रहना पड़ता है। बट नाउ आज वो कॉलेज नहीं गया सो मुझे फ्री है। सो मैंने सोचा क्यों ना कहीं बाहर घूम के आते। सो मैं जा रहा हूँ सीवुड्स मॉल एंड मुझे एक स्टोर के वर्ड्स भी नहीं आ रहे। तो आज मुझे एक स्टोर के बारे में मालूम पड़ा है, वी मार्ट स्टोर, जहाँ पे बोलते हैं कि जूडियो से भी काफ़ी अच्छे कपड़े और सस्ते में भी मिलते हैं एंड अच्छे क्वालिटी के भी मिलते हैं। मैंने थोड़ा बहुत फाइंड आउट किया बट मुंबई में कहाँ पे है वो स्टोर मुझे अभी तक नहीं मिला। सो आई होप कि वो सीवुड्स मॉल में हो, अगर होगा तो जाएंगे, नहीं तो मैं ज़रूर वो शॉप के बारे में इंक्वायरी करूँगा, फाइंड आउट करूँगा एंड वो शॉप को ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। सो फिलहाल चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। मॉल एकदम सही प्लेस पे बनाया गाइस बिकॉज स्टेशन से निकलते ही आपको नीचे ही मॉल मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग के लिए टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का। सो चलते हैं, ये स्टेशन के आउटसाइड के स्टोर्स है। आगे से एंट्री है, चलते हैं। सबसे पहले मैं जूडियो में जाऊंगा, देन उसके बाद दूसरा वो वी मार्ट स्टोर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं कौन सा साइड है। कम ऑन, लगा हुआ है मैप, इसमें देखते हैं। भाई कुछ समझ ही नहीं रहा है किधर पे क्या है। ट्रेन मैक्स, ओह इसको मूव कर सकते हैं, क्या बात है। गाइस कुछ समझ नहीं रहा है सो मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ एंड ऊपर जाके देखते हैं। फर्स्ट में वॉशरूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने। कट की कोई भी चीज छोड़ने की नहीं। सेकंड फ्लोर। गाइस जूडियो तो मिल नहीं रहा है तो फिलहाल सामने मैक्स है। सो जाते हैं मैक्स फैशन में एंड देखते हैं वहाँ पे कपड़े वगैरह। 499 में ट्रैक पैंट्स, ओके शॉर्ट्स है, पोलो टी शर्ट,
कलर लगा यार। 28 साइज मेरे साइज की शॉर्ट्स, ये स्मॉल साइज शर्ट, सो इतने सारे कपड़े मैं उठा के लाया हूँ। पहले डोर बंद करते हैं। अरे लॉक इसका टूटा हुआ है। सो ये सारे कपड़े मैं ट्रायल करके देखता हूँ। मुझे एक सेट काफ़ी अच्छा लगा, सो मैं सोच रहा हूँ वो लेने का। लेट्स सी, ये शर्ट ज़्यादा कूल लग रहा है ना। ट्रांसपेरेंट शर्ट है, ये जीन्स के ऊपर ज़्यादा कूल लग रहा है। आई लाइक इट। अब इसके नीचे मैं ये वाला शॉर्ट्स वेयर करता हूँ। शॉर्ट्स के ऊपर काफ़ी कूल लुक आ रहा है, बट ये देख सकते हो कितना लूज है। पता नहीं मेरे साइज़ का हमेशा क्यों नहीं मिलते रहता है। मॉल वगैरह में कहीं भी जाओ ना, जल्दी मेरे साइज़ के कपड़े नहीं मिलते। शर्ट ओके है, बट पैंट बहुत लूज है। अभी सेकेंड शर्ट में ट्राई करता हूँ। सेकेंड, हाउ इज माई लुक गाइस? ये भी शर्ट अच्छा लग रहा है। सो इस पे मैं दो तीन पिक्चर क्लिक करता हूँ देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। सो नाउ अभी मैं दूसरे आउटफिट ट्राई करता हूँ एंड आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस दूसरे आउटफिट वेयर करने लायक नहीं है, बिकॉज मैंने अभी एक शॉर्ट्स ट्राई किया। किधर गया? या दिस वन मैंने पहना और वो अपने आप नीचे गिर गया। इतना लूज है, मेरे साइज के यहाँ पे मोस्टली कपड़े है ही नहीं। थोड़ा हाइट पे छोटा हो इसके लिए। सो चलते एंड रख देते हैं। गाइस और कपड़े मेरे साइज के मिले ही नहीं एंड मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। नहीं लेना इसके लिए नहीं, बट एक्चुअल में नहीं लगा बिकॉज साइज का इशू हो रहा है। सो मैं चला आया ज़्यादा दूसरी तरफ। लाइफस्टाइल में जाते हैं। अभी मैं ये ट्राई करने वाला हूँ गाइस। बड़ी मुश्किल से 28 साइज और स्मॉल मिला है, क्योंकि यहाँ पे साइज इशू बहुत है। साइज ही नहीं मिल रहे मेरे। बोलने में मेरा टंग स्लिप हो जाता है, वर्ड्स क्लियर नहीं निकलते। इट्स ओके। सो ये वेयर करके देखते हैं। फाइनल लुक गाइस, नाइस ना? कार्गो सही है एंड ये शर्ट भी काफी कूल है। बैक लुक, फ्रंट लुक, सो हो गया मेरा। चलते अभी 1 बज गया गाइस एंड मुझे शॉप पे जाना है एंड यहाँ से जाने में भी 45 मिनट्स ट्रेन में लगता है। तो मैं जा रहा हूँ मॉल से। कम ऑन चलते। मैं जूडियो और वीमार्ट ढूंढ रहा था बट दोनों यहाँ पे नहीं थे। मैंने चेकआउट किया, नहीं थे यहाँ पे। सो लेट इट बी, मैं फाइंड आउट करूँगा विदाउट वीमार्ट के बारे में, देन उसके बाद डेफिनेटली। सॉरी आई डोंट हैव अ टाइम। या आई नो, इस तरीके के 20 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे बहुत मिले किसी ना किसी ट्रस्ट की तरफ से, रहते डोनेशन करो एंड ऑल।
मैंने बांद्रा स्टेशन पे दो बार ऐसे रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट समथिंग नेम था उनसे उधर डोनेट किया है। सो लेट इट बी पनीर मखनी सैंडविच, मैं वो ट्राई करता हूँ। सैंडविच विद कोल्ड कॉफी। सही है इसका। टेस्ट सही है इसका। आई लाइक इट। सो दोनों खा के मज़ा आ गया एंड कॉफ़ी में लेके जाते जाते पी रहा बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। सो मुझे फटाफट जाना है। सो चलते हैं एंड आई होप यू लाइक इट। सो सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय।